The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Duniya ka sabse zaruri test, sabse bada test, sabse jaan bachane wala test, sabse zyada jaane agar koi ek single test बचाता है पूरी दुनिया में तो वो है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG या EKG के नाम से जाना जाता है ये टेस्ट। और जी हाँ, ये पूरी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जाने बचाता है ये अकेला टेस्ट। तो क्या है ये ECG, EKG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? ये एक टेस्ट है जो हार्ट की, दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, दिल में जो धड़कन होती रहती है, बेसिकली उसके अंदर से इलेक्ट्रिकल तरंगे निकलती हैं, खुद दिल जनरेट करता है, दिल के हिस्से जनरेट करते हैं दोज एक्टिविटी को, उनके कॉन्ट्रैक्शन के पावर को, इवन उनकी एक्टिविटी जितना बड़ा होती है, उतने बड़ा एक्टिविटी, उतनी जितनी कम चल रहा है दिल उतनी कम एक्टिविटी, जी हाँ, उस एक्टिविटी को एक ग्राफ में, एक पेपर पे उतार देना, इस टेस्ट को कहते हैं ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब टेस्ट कैसे होता है ये आप में से जिन जिन ने करा चुके हैं उनको पता होगा, जो नहीं करा चुके हैं वो सुन के समझ जाएंगे, या जो करा चुके हैं अच्छा हाँ मेरा तो ऐसी हुआ था। सो आपको थोड़ा नग्न होना पड़ेगा ऊपर से, कायदे से, आजकल लोग सिर्फ ऐसा ऊपर करके भी कर लेते हैं, कायदे से नग्न होना पड़ता है और ऊपर से फिर नग्न होके आपके हाथों और पैरों को भी करना पड़ता है। चार तो लीड, इसमें 12 लीड लगते हैं, 12 लीड ECG होता है जो सबसे बेस्ट बेसिक सब सारे बात बताने वाला लीड होते हैं, 12 लीड, उसको हम कम लीड वाली ECG भी होती है, बट देन द बेस्ट इज 12 लीड, द बेसिक स्टैंडर्ड ECG इज 12 लीड्स। एंड लीड्स मतलब इलेक्ट्रोड्स जो हमारे स्किन के ऊपर लगते हैं, हमारे हाथों में लगते हैं, दो इलेक्ट्रोड हाथों में लगते हैं राइट एंड लेफ्ट, और दो पैरों में लगते हैं लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। इसमें से जो लेफ्ट वाला होता है वो एक्चुअली एक्टिव होता है, राइट वाला ऐसे ही होता है। उसके बाद में 6 इलेक्ट्रोड लगते हैं हमारे चेस्ट पे, दो इस तरफ लगते हैं साहब, लेफ्ट साइड में एक यहाँ लगता है, फिर यहाँ लगता है, फिर यहाँ लगता है, फिर पीछे जाता है, तो इस तरह से एक सर्कुलर मोशन लगाते हैं, एक एक्सिलरी लाइन पे लगता है, एक मिड क्लेविकुलर लाइन पे लगता है, एक सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस लगता है, एक उसके बीच में, एक उसके बीच में, बेसिक आइडिया, बेसिक फंडा है। सो लग गया ECG के लीड्स, या तो लीड लगते हैं या कई बार पैचेस भी आते हैं, सो यू माइट बी गिवन पैच, मतलब पैचेस लगे होंगे, हो सकते हैं, कई बार ऐसा भी होता है, राइट। और दूसरी तरफ ECG के जो मॉनिटर्स में दिखते हैं, मॉनिटर्स जो ICUs में होते हैं, जो एम्बुलेंस में होते हैं, उसमें 3 लीड होती है, एक दो यहाँ पे, एक यहाँ पे, या फिर कई बार और दूसरी, उसमें 3 ही लीड दिखती है, उसमें 3 लीड दिखेगी, ज़्यादा नहीं दिखेगी, तो 3 लीड होती है, 3 लीड, 12 लीड ECG में सारे दिखते हैं, तो दैट इज़ हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। 12 लीड्स में 10 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 12 लीड ECG में 10 इलेक्ट्रोड्स, सो इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, मशीन शुरू की जाती है, आपको किसी भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, आपको किसी भी मेटल की ऑब्जेक्ट को टच नहीं करना है, अर्थिंग आ जाएगी, अर्थिंग वर्थिंग ना आनी चाहिए, या कोई इलेक्ट्रिकल चीज़ें आपके पास ना हो तो बेहतर होता है। उसके अलावा पहले से टेस्ट के लिए कोई और प्रिपरेशन नहीं लेना पड़ता, बस इतना है कि आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि फलाना ढमकाना दवा हम लेते हैं, और फलाना ढमकाना दवा हम लेकर आए हैं, फलाना ढमकाना मतलब एट्सेट्रा एट्सेट्रा दिस एंड दैट, राइट, दैट इज़ द वर्ड, ऑलराइट। सो बिकॉज सम ड्रग्स, सम दवाएं, कुछ दवाएं ECG के रिजल्ट से इंटरफेयर कर सकती हैं, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू नॉट एक्सरसाइज और ड्रिंक कोल्ड वाटर इमीडिएटली बिफोर एन ECG, बिकॉज दैट विल कॉज फॉल्स रिजल्ट। एक्सरसाइज करोगे दौड़ जाएगी हार्ट रेट, ठंडा पानी पियोगे कम हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू शुड अवॉइड बिफोर एन ECG। नाउ हाउ विल द टेस्ट फील, इलेक्ट्रिकल करंट दौड़ेगा तो क्या झटका लगेगा? नो, नहीं लगेगा, डोंट वरी, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज अ पेनलेस, नो इलेक्ट्रिसिटी इज सेंट थ्रू योर बॉडी, जीरो इलेक्ट्रिसिटी इज सेंट टू योर बॉडी, तो डरो मत, ठीक है। इलेक्ट्रोड फील हो सकता है थोड़ा ठंडा ठंडा, बिकॉज इट्स अ मेटल इलेक्ट्रोड कई बार, और जेल लगती है तो जेल भी ठंडी फील हो सकती है, और रेयर केसेस में किसी को जेल के वजह से इरिटेशन हो सकती है, दैट इज अ जेल से एलर्जी, नॉट बिकॉज ऑफ द ECG और द प्रोसीजर, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों किया जाता है ECG का टेस्ट, मिलता क्या है, देखिए
इलेक्ट्रिकल करंट एक्टिविटी को पेपर पे उतार लिया जाता है तो उससे हमें क्या क्या पता चल रहा है, उससे हमें पता चल रहा है इफ देर इज एनी डैमेज टू द हार्ट, हार्ट के अंदर जो हिस्से में डैमेज होता है वहां ईसीजी में क्यू वेव नाम की वेव आने लग जाती है. नाउ दैट इज अ डिफरेंट थिंग. क्यू वेव जितनी बड़ी उतना बड़ा हार्ट में डैमेज, ऐसा माना जाता है. नाउ देर इज अ फिजियोलॉजिकल क्यू वेव एंड पैथोलॉजिकल, मतलब नॉर्मली भी क्यू वेव हो सकती है छोटी चिंगी सी माइनर 1 और 1.5 mm, मतलब सबसे छोटे स्मॉल बॉक्सेस की. ईसीजी में बड़े बड़े ऐसे बॉक्सेस होते हैं, बड़े बॉक्स छोटे बॉक्स. सो क्यू वेव इज क्यू वेव, इतना ज्यादा नहीं सोचना है. क्यू वेव इज हार्ट, मतलब हार्ट डैमेज पता चलता है. ईसीजी में डैमेज हो रहा है पता चलता है, हो चुका है पता चलता है, लेकिन 100% नहीं, 100% नहीं. ऐसा नहीं है कि डैमेज हो रहा है तो ईसीजी दिखाएगी दिखाएगी, दिखाई है तो डैमेज है, नहीं दिख रहा तब भी 10% केसेस में ईसीजी में बिना दिखे डैमेज हो सकता है. ये बहुत बड़ा पॉइंट बोल दिया हमने, सोच के चलना. मतलब ईसीजी नॉर्मल होते हुए भी हार्ट को अटैक हो रहा हो सकता है 10% कुछ परसेंट केसेस में, एग्जैक्टली 10 नहीं है, 10, 15, 20, 25 जैसे भी आप मान लीजिए कुछ केसेस में, राइट. सो पहली चीज, हार्ट में डैमेज हो रहा है नहीं हो रहा है ईसीजी बताएगी. सेकंड चीज, कितनी तेज धड़कन चल रही है, धड़क 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 वो बताएगी. धड़कन रेगुलर है, इरेगुलर, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, कहां से जनरेट हो रही है हार्ट के अंदर, ये सब इंडिकेशन ईसीजी बताएगी. किसी दवाई का इफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा, कोई पेसमेकर लगाया, कोई धड़कन बढ़ाने वाली दवाई दी, कोई बीपी कम करने वाली, धड़कन कम करने वाली दवाई दी, उसका इफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है ईसीजी बताएगी. कोई पोस्चर से आपके हार्ट के साइज शेप चेंज तो नहीं हो रहा, अगर हार्ट का कोई एक हिस्से का साइज चेंज हो जाता है तो वो हिस्से की ईसीजी भी बड़ी बड़ी हो जाती है. सो दैट कैन एक्चुअली इंडिकेट कि वो कौन से हिस्से का साइज चेंज हुआ है, एनलार्जमेंट है कि क्या है. सो ईसीजी कैन शो यू सो मेनी थिंग्स. फिर ईसीजी ज्यादातर केसेस में सबसे पहला, सबसे जरूरी, सबसे तगड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है हार्ट के केसेस में. अगर आपको छाती में दर्द है, पालपिटेशन है, घबराहट है, पसीना आ रहा है, आपको कोई ऑपरेशन होना है, पहले ईसीजी होगा. आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ईसीजी होगा. आप इमरजेंसी में पहुंचे, ईसीजी होगा. आपको हार्ट प्रॉब्लम है पास्ट में, ईसीजी होगा. आपको फैमिली हिस्ट्री, ईसीजी होगा. आप स्मोकिंग करते हो, डायबिटीज है, कुछ भी, ईसीजी होगा. इसी करंट लग गया तो ईसीजी होगा. इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी गड़बड़ा सकती है भैया. सो यस, हार्ट रेट प्रॉब्लम, पालपिटेशन प्रॉब्लम्स, ईसीजी होगा. ईसीजी धड़कन भी बताती है. नॉर्मल हार्ट रेट होती है 60 से 100, 60 to 100. तो 100 से ऊपर है तो टैकीकार्डिया, 60 के नीचे है तो ब्रैडीकार्डिया. ब्रैडी मतलब स्लो, टैकी मतलब फास्ट, कार्डिया मतलब हार्ट की, हार्ट की एक्टिविटी. हार्ट की रिदम कंसिस्टेंट है, इवन है, अनइवन है, वो भी दिखता है. तो बिल्कुल सही है, अगर इसमें किसी में भी एबनॉर्मलिटी होगी तो ईसीजी में दिखेगा. मतलब क्या दिख सकता है, ईसीजी रिजल्ट कैन गिव अ साइन आउट. नाउ वर्ड इज इंपॉर्टेंट, कैन. इट इज नॉट अ डेफिनेट टेस्ट कि आएगा ही आएगा. मतलब ईसीजी में नहीं है फिर भी डैमेज हो सकता है. सो इफ योर क्लिनिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट को दर्द है, ईसीजी नॉर्मल है, घर मत भेज देना. ऑब्जर्व द पेशेंट, रिपीट द ईसीजी. कई बार थोड़ी देर बाद चेंजेस आते हैं, सो दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, सो घर मत चले जाना, थोड़ी देर बाद चेंजेस आते हैं. कई बार आगे वाली ईसीजी में आते हैं, कई बार कुछ परसेंट केसेस में नहीं भी आते हैं, फिर भी डैमेज हो रहा होता है, फिर भी कुछ ना कुछ हो रहा था. लेकिन ईसीजी में चेंजेस हैं तो डैमेज है, नो डाउट. नाउ ईसीजी में क्या चेंजेस आए तो रिजल्ट्स क्या दिखा सकते हैं, हार्ट के अंदर मसल्स में डैमेज या मसल में साइज चेंजेस, हार्ट के अंदर चेंज दिखा सकते हैं. इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस, पोटेशियम, कैल्शियम, ब्लड ब्लड में अगर अमाउंट चेंज हो रहा है तो ईसीजी में एक्टिविटी चेंज होने लग जाती है. हार्ट के अंदर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, कोई हार्ट के एक आधे हिस्से का इनलार्जमेंट है, आपके हार्ट के आसपास फ्लूइड आ रहा है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन या टेम्पोनार्ड इफेक्ट, वो ईसीजी में इंडिकेट हो सकता है. इन्फ्लामेशन हो सकता है हार्ट के, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, पैन एंडोकार्डाइटिस का इन्फ्लामेशन, रूमेटिक हार्ट डिजीज, हार्ट की वैल्व्यूलर हार्ट डिजीजेस के इंडिकेशंस हो सकते हैं कि एनलार्जमेंट हो रहा है किसी हिस्से का. और पास्ट हार्ट अटैक भी दिख जाता है, पुराना हार्ट अटैक, करंट हार्ट अटैक, आपकी बॉडी प्रॉपर हार्ट को की नसों, खून की नसों को ब्लड सप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही है. इश्चीमिक चेंजेस भी दिख जाते हैं, इश्चीमिया मतलब खून कम जा रहा है, इश्चीमिक चेंजेस भी दिख जाते हैं. और जितनी धड़कन बढ़ती है, इश्चीमिक चेंजेस बढ़ते हैं तो क्लियर है, फिर नो डाउट्स ऐसा है. एबनॉर्मल हार्ट की रिदम भी दिख जाती है कि रिदम प्रॉब्लम तो नहीं आ रही. सच अ ह्यूज टेस्ट, सच एन इंपॉर्टेंट टेस्ट भैया.
इसको भूल के भी छोड़ना मत, करते रहना। हार्ट की प्रॉब्लम, चाहे हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, रिदम प्रॉब्लम, एट्रियल फिब्रिलेशन, फ्लटर, पाल्पिटेशन, मायोकार्डियल रो टैकीकार्डियाज, मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया, स्टिक साइनस सिंड्रोम, WPW सिंड्रोम, PPSVTs, इतनी सारी बीमारियों में ECG बहुत ज़रूरी है। और देर इज नो रिस्क, एब्सोल्युटली सेफ टेस्ट, राइट। Accuracy depends upon the condition where it is being tested. Patient घड़गड़ घड़गड़ हिल रहा है तो ECG में भी कुछ गड़बड़ आएगी, उसमें artifact आ सकते हैं। So patient प्यार से लेटा है तो प्यारे से ECG आएंगे। So a heart problem may not always show up on the ECG, but some heart conditions will never produce any ECG changes also, याद रखिएगा। So इसलिए clinical examination is far more important and ECG is one of the basic but one of the most important tests which everyone should do, everyone should सेव योर ECG, फोटो खींच के ECG रखना, वरना ECG पेपर से ECG की इंक उड़ जाती है कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद, और फिर कोई काम का नहीं रह जाता। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट ECG विच यू शुड नो, everyone शुड नो। डेयर यू डोंट लाइक द वीडियो, डेयर यू डोंट शेयर द वीडियो, भाई करके जाना है, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके okay.